हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, आज सुबह से वीडियो बना नहीं पाई, काफ़ी देर से ये वीडियो बना रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त हो गई हूँ, समय की व्यस्तता के कारण से आप लोगों के कमेंट्स भी नहीं देख पाती हूँ, जवाब भी नहीं दे पाती हूँ, और आज तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, बहुत ही मुझे ख़राब लग रहा था। आई वॉज़ मिसिंग यू ऑल। तो इसी छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए आज मैं बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे न्यू सब्सक्राइबर्स के मेल्स आ रहे हैं, जिसमें से वो लोग ये भी नहीं जानते कि डिवाइन फेमिनिन क्या होता है, उनकी क्वालिटी, उनके ट्रेड्स क्या होते हैं, ये जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, अवेकनिंग क्या होती है। खैर, सब सारे वीडियोस हैं तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है फिर से बनाने की सारे वीडियोस, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि कुछ कुछ चीज़ों को मैं अगर फिर से एक वीडियो का आकार देके इतनी आसानी से आप लोगों को समझा दूँ, शायद जो आपको और क्लैरिटी दे इस जर्नी में। तो मैंने आज टॉपिक लिया है अवेकनिंग का, बिल्कुल सादे शब्दों में बताऊँगी अवेकनिंग क्या होती है, कोई किताबी भाषा नहीं, जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैंने समझा कि इस जर्नी में जब मुझे अवेकनिंग हुई, मुझे समझ में आया कि अवेकनिंग क्या होता है। देखिए, अवेकनिंग का मतलब होता है जागना, अवेक जागना, आप जाग गए। इतने दिनों तक आप जितनी भी ज़िंदगी, आपकी जो भी उम्र हो, 30 साल, 40 साल, 20 साल, आप एक इल्यूजन की ज़िंदगी में जी रहे थे, एक मैट्रिक्स में जी रहे थे, एक माया जाल था रिश्तों का, रिश्ते, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट्स, ठीक है, कुछ सोसाइटी फॉर्मेटिंग्स, लेकिन असलियत हम नहीं जानते थे कि हम बेसिकली कौन हैं, हम एक तो फिर इस जर्नी पे आके हम जागते हैं, एक्चुअली हम उन सच को जानने लग जाते हैं, ठीक है, हम अवेकनिंग का मतलब जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला मतलब जो मैंने जाना था कि मैं कौन हूँ, तो पहला क्वेश्चन अवेकनिंग में हम यही समझते हैं कि हम कौन हैं। हम अक्सर अपने आप को किसी का भाई, किसी का बहन, किसी की बेटी, या वो हमारा रिश्तेदार है, हमारे ये फ़र्ज हैं, ये लाइक हम पूरी ज़िंदगी अपने फ़र्ज निभाते, समाज में सबका मुंह देखते, सबको खुश करते, खुशामदी करते ही पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, और एक दिन आता है कि हम मर जाते हैं, और जिस पर्पस से हम इस दुनिया में आए ये हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट हुआ कि हम इस दुनिया में आके अवेकनिंग के बाद ये समझते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस बिल्कुल नहीं है कि मैं किचन में सिर्फ खाना बनाती रहूं, या सास को, ससुर को, सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को खुश रखूं, उनके वो जो भी टैंट्रम्स आपको दे रहे हैं उसको, उसके साथ मैं एडजस्ट करूं, मैं हर आप लोग मुझ पर मुझे दुख दे रहे हो तब भी मैं खुश, हर हाल में मैं खुश रहूं, मुझे दुख मिल रहा है तब भी मैं खुश रहूं। हमको ये सिखाया जाता है ना कि एक औरत या एक लड़की या हम लोग को हर हाल में खुश रहना चाहिए, हर चीज़ के संग एडजस्ट करना चाहिए। क्यों एडजस्ट करना चाहिए, क्यों खुश रहना चाहिए, हम पूरी ज़िंदगी क्या खुश रहने में ही निकाल देंगे? बिना वजह हम दुखी हैं तब भी हम खुश रहें, और हम सबकी शर्तों पे को मानते हुए, एडजस्ट करते हुए एक दिन मर जाएं, क्या यही लाइफ होती है? क्या यही पर्पस था हमारी ज़िंदगी में आने का? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमको मैं ये नहीं कह रही कि हमको दुखी रहना चाहिए, हमको लाइफ में लड़ाई करते रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम बहुत कुछ समझने के लिए आए हैं। हमको पता ही नहीं होता है कि हमको क्या समझना है। आज आप जो बातें मैं आगे बताने वाली हूँ, अगर आप आज अपने घर के बाहर जाके सोसाइटी में ये बातें बोलेंगे तो लोग आपको या तो पागल बोलने वाले हैं, या ये बोलने वाले हैं ये तो लगता है सन्यासी बन गया है। ये तो आज इन लोगों के कमेंट्स होते हैं, तुमको तो हिमालय चले जाना चाहिए। क्यों? एक हमको अपने उत्तर जानने के लिए, क्या हम अपने इस संसार में रह के उत्तर नहीं जानना चाहिए? हमें हिमालय जाने की ज़रूरत क्यों है? सिर्फ जो जाते हैं हिमालय, सिर्फ उन्हीं का अधिकार है अपनी आत्मा के बारे में जानने का, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानने का। बाकी लोग क्या सिर्फ यहाँ पर मज़े करने के लिए, चीटिंग करने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए, या सिर्फ जो भी 3D की चीज़ें हैं उनको एंजॉय करने के लिए आए हैं? नहीं, हम सब, ईच एंड एवरी सोल इस दुनिया पे अपना
अस्तित्व जानने के लिए आई है, अपना सोल पर्पस जानने के लिए आई है। बहुत कुछ जो मैं आगे जानकारी देने वाली हूँ वो सब जानने के लिए हम लोग आए हैं। हम जानने के लिए आए हैं कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं। अभी आप आज इस जर्नी में आने से पहले क्या आप जानते थे ये बात कि इश्यूज़ क्या होते हैं, उनकी हीलिंग भी करनी होती है, हमको सोल की एक लेयर भी उतारनी रहती है। खुद से पूछिए इस जर्नी में आने से पहले, कभी आपने ये सवाल कहीं सुना था? कभी कोई बात करता था, एक सुबह होती थी, फिर एक शाम होती थी, फिर एक दिन और फिर रात और एक दिन ख़त्म और फिर एक नया दिन चालू। इस प्रकार से एक एक दिन करके आप अपनी ज़िंदगी को बिता रहे थे, कैसे तैसे एडजस्ट करते हुए, दुख भोगते हुए, सुख भोगते हुए, एंजॉय करते हुए, समटाइम्स रोते हुए, लेकिन यू वर सिंपली पासिंग योर टाइम। लेकिन ये टाइम को पास करना इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। पर्पज आपका है कि अपने इशूज़ को जानना, उनको हील करना। कभी कभी आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि हमारी जर्नी इतनी टफ़ क्यों है, क्यों थी या क्यों है। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ में सारे कलर्स थे, पेन्स के, दुख के सारे रंग मैंने देखे हैं। पहले मैं सवाल करती थी कि हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम। मैंने एक डिसफंक्शनल फैमिली भी देखी है, मैंने अब्यूसिव पेरेंट्स भी देखे हैं, मैंने स्कैसिटी ऑफ लव भी देखा है, मैंने फिज़िकल अब्यूज़ भी देखा है, मैंने चीटिंग भी देखी है, मैंने मेरे साथ लोगों ने जेलसी भी रखी है, कंपटीशन भी रखा है, मुझ पर उंगलियां भी उठाई है, मुझे इग्नोर भी किया गया है। मेरी मुझसे गॉड को ऐसी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरे साथ लाइफ में इतना ज़्यादा? क्योंकि मेरे चारों तरफ बाकी लोग बिल्कुल नॉर्मल जी रहे थे, उनकी लाइफ में इतनी दिक्कत नहीं थी। अब तो हम सोल फैमिली में आके समझते हैं ये चीज़ कि हाँ भाई, मेरे जैसे और लोग भी हैं, आप लोग भी हो, आप सब के साथ कुछ ना कुछ बैड चाइल्डहुड रहा होगा या पेन्स रहे होंगे। बट पहले तो जिस सोसाइटी में मैं अकेली थी, आई वॉज़ नॉट अवेयर, मेरे को लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मेरी जर्नी ही इतनी टफ क्यों है, क्यों लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, ठीक है। और फिर या हम लोग हमेशा सवाल ये करते हैं कि हमसे जो लाइफ में गलतियाँ अगर हो गई हैं तो हम हमेशा एक गिल्ट की फीलिंग में रहते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आए हैं हम इस दुनिया में। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि आपके लाइफ में जो भी बुरा हुआ, अवेकनिंग के बाद हम सीखते हैं कि हमें उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन मैं उसको, जिन जिन्होंने बुरा किया उनको माफ़ करके मैं उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करती हूँ कि वो मेरी लाइफ में इसलिए आई, नंबर वन कि मुझे मेरे पास कर्मास कट करने थे, नंबर टू मुझे वो सारी सिचुएशंस कुछ सिखाना चाह रही थी, कुछ लेसन्स देना चाह रही थी, ठीक है, नंबर थ्री मेरे को एक प्योर वर्जन बनना था जिसके लिए सारी मेरे अंदर की सारी जो हीलिंग्स होनी थी, लेयर्स उतरनी थी, इसलिए ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ, मुझे को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए हुई, जो कि मैंने इस जर्नी में आके सीखा, ठीक है। हम लोग अपने इश्यूज़ को हील करते हैं, करना चाहिए, ये सब चीज़ें आज आप बाहर जाके पूछिए तो लोग समझेंगे नहीं क्या इश्यूज़ क्या होता है, उसको हील करना क्या होता है, कैसे हील किया जाता है, क्यों हील करना है। मैं आज का जो वीडियो बना रही हूँ बिल्कुल ऐसा बना, इस तरीके से बना रही हूँ कि आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में समझें। आई डोंट वॉन्ट एनी बुकिश वर्ड्स टू यूज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। देखिए, लाइफ में कभी भी कुछ बाय चांस नहीं होता है। आपके समय अगर कुछ बुरा हुआ तो देर इज़ सम रीज़न, वो आपको एक्सेप्ट करना है। कोई भी, चाहे आज या आपसे आज से बहुत साल पहले या कल, कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी आया था या आपकी लाइफ में कोई भी आएगा, देर इज़ सम रीज़न। आपकी लाइफ में हर एक मोमेंट की होने वाली घटना, हर एक मोमेंट की होने वाली घटना के पीछे एक रीज़न होता है। ये चीज़ें हम लोग पहले नहीं सोचते थे, लेकिन अब हमको ये समझ में आता है कि लाइफ में कुछ भी बाय चांस नहीं होता है। आप लोग आज जिस भी सिचुएशंस में खड़े हो, देर इज़ नथिंग बाय चांस। जो पर्सन आपकी लाइफ में आया वो भी बाय चांस नहीं था।
वो आपको जर्नी के एंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज़ योर डेस्टिनी या दैट इज़ गॉड्स प्लान या ठीक है दैट इज़ दिस योर हार्ड वर्क. लेकिन आप ये सोचिए कि वो बंदा आपकी लाइफ में आया, उसने ट्रिगर किया, उसने हमें ये सिखाया, उसने हमारी अवेकनिंग को प्रोवोक किया और तब हमने समझा ट्रिगर होना क्या होता है, ट्रिगर के बाद इश्यूज क्या होते हैं, कैसे आज अवेकनिंग के बाद आप खुद बैठ के सोचते हो मैडम मुझे मेरे इश्यूज कैसे पता चलेंगे. अवेकनिंग के पहले कभी आपने सोचा कि इश्यूज क्या होते हैं, उनको भी हील किया जाता है, ठीक है. तो आप आज बैठ के रजिस्टर पर लिखते हो हाँ मेरे में ये बुराइयाँ हैं, आप उसको हील कर रहे हो. अगर ऐसे हम बोलते तुम बुरे हो तो आपने कोई आपको बोल देना कि तुम बहुत घमंडी हो, बहुत ही स्टबन हो, आप उससे लड़ने बैठ जाओगे. लेकिन आज आप खुद बैठ के रजिस्टर में लिख रहे हो कि हाँ मेरे में ये बुराइयाँ हैं, ये मुझे ये हील करना है, ये हील करना है, ये हील करना है. सी सच अ बिग सच अ ब्लेस्ड थिंग यू हैव गॉट इन दिस जर्नी. और आप बताइए कि आपकी दूसरी सहेलियाँ समाज में दूसरे लोग कभी बैठ के रजिस्टर पर लिखते हैं कि मुझे ये इशू हील करना है, मेरे में ये बुराइयाँ हैं? नहीं. यूनिवर्स ने सिर्फ आपको ये प्रोविज़न दिया है, आपको ये फैसिलिटी दी है, आपको ये ब्लेसिंग्स दी है कि आपको जब आप इस दुनिया से जाओगे तो आप एक्चुअल मायने जानोगे कि आप इस दुनिया में क्यों आए, आपका पर्पस क्या था, क्यों क्या कर्मास क्या होता है, ठीक है, कर्मा क्लियरेंस क्या होता है, इश्यूज़ क्या होते हैं, कैसे खुद को बेस्ट बनाया जाता है. किसी ने सपोज़ हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि आपकी शादी एक ख़राब शादी रही जिसमें कि आपके हस्बैंड ने आपको बहुत दुख दिया, आपकी सास ने भी आपको बहुत टॉर्चर किया, जो भी सिचुएशन मतलब लाइक आपका हस्बैंड मामाज बॉय था या आपकी मदर ने आपकी सास ने आपको ना आपके हस्बैंड के करीब आने नहीं दिया या वॉट एवर सिचुएशन लाइफ में, और आपकी शादी को बहुत साल हो गए, आफ्टर मैरिज ऑफ योर 15-20 ईयर्स यू आर रियलाइजिंग द होल लाइफ आई वॉज इन पेन, मैं पूरी ज़िंदगी मुझे मेरे पति का सुख नहीं मिला, मुझे मेरी सास ने मुझे इतना दुख दिया, मेरे संग ऐसा हुआ, द होल लाइफ यू विल बी इन द ब्लेमिंग एनर्जी. लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, जो कुछ भी हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, मुझे मेरी सास से मुझे मेरे हस्बैंड से कर्मा क्लियरेंस करना था, इसलिए उन्होंने ट्रिगर किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्रिगर किया जिससे कि मेरे इश्यूज हील हुए, मैं अपने कुछ लेसन्स सीखूं. और आज आफ्टर अवेकनिंग जब आप खुद को आईने में देखते हो तो यू आर अ डिफरेंट पर्सन. आप कल के आपके स्वभाव से आज के आपके स्वभाव में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. अब आप सामने वाला अगर आपसे कुछ बुरा भी करता है, आज अगर आपके DM ने आपके संग आपको धोखा दिया, चीट किया, ट्रिगर किया, तो आप ये बैठ के सोचते हो कि यार उसका भी ना चाइल्डहुड बहुत ख़राब था ना, इसीलिए उसने उसके संग भी ये सब प्रॉब्लम थी, उसको भी प्यार की कमी थी, इसीलिए वो इस प्रकार से मुझे नार्सिसिस्टिक बिहेव कर रहा था, इसीलिए उसे मुझे डोमिनेट करता था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भी प्यार की कमी थी. इतना आपने आज एनालाइज़ करना सीख लिया. क्या अवेकनिंग के पहले आप किसी भी इंसान के नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को एनालाइज़ कर सकते थे? बताइए. अगर एक इंसान आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत अब्यूज़ कर रहा है, अभी नार्सिसिस्ट है आपके साथ, ठीक है, वो आपको डोमिनेट कर रहा है, वो बिल्कुल आपको तो आप ये सोच एनालाइज़ नहीं कर सकते कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास बैड चाइल्डहुड था, इसको ज़िंदगी में किसी ने प्यार ही नहीं दिया इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है. आप ये एनालाइज़ अवेकनिंग के पहले नहीं कर सकते थे जो आप अब करते हो. तो अवेकनिंग यही होती है, जागना, चीज़ों को समझना कि ये ज़िंदगी सिर्फ एक मायाजाल है, सिर्फ एक इल्यूजन है जिसमें हम सिर्फ जो भी सिचुएशंस लाइफ में हमारी आ रही हैं उन सिचुएशंस को हम देख के एनालाइज कर रहे हैं और उसके साथ डील करना सीख रहे हैं कि कोई हमारे संग बुरा है तो हम उसकी जगह पर रह के देख रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. पहले हम लोग ब्लेमिंग की एनर्जी से ऑपरेट करते थे कि भाई तुम बुरे हो, तुमने हमारे संग ऐसा किया. अब हम लोग उसकी जगह रह कर सोचते हैं, महसूस करते हैं कि वो हमारे संग बुरा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके संग ये उसके साथ भी ये इश्यूज़ हैं. और इश्यूज़ सबके साथ होते हैं,
ठीक है, इश्यूज़ सबके साथ होते हैं, सबकी ही लाइफ में इश्यूज़ होते हैं, सब हर इंसान, चाहे वो ट्विन सोल हो या नॉर्मल सोल हो, सब लोग यहाँ पर लेसन्स ही सीखने आए हैं, सब लोग यहाँ पर अपने इश्यूज़ ही हील करने आए हैं। ऑल ड्रामा इज़ गोइंग ऑन इन दिस अर्थ, ऑल इल्यूजन इस इन सिंपल वे इस सिचुएशंस। हर इंसान की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू देयर लेसन्स। ठीक है, कोई अमीर है उसकी लाइफ में अलग सिचुएशंस हैं, कोई गरीब है उसकी लाइफ में अलग सिचुएशंस हैं। नाउ आफ्टर अवेकनिंग यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद सिचुएशंस। ये सिचुएशंस क्यों आई हैं, उनको एनालाइज करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आपको वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए शॉर्ट में एक बात और बोलूँगी कि यू कम टू नो व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स इज नथिंग मोर देन आप जो यूनिवर्स की जो का जो एक सेल और मॉलिक्यूल जो मैं बोलती हूँ जो आपके अंदर है, तो वॉट एवर यू आर थिंकिंग यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स आपको वो चीज़ रिटर्न कर रहा। तो यहाँ पर डेस्टिनी कुछ नहीं है, वॉट एवर डेस्टिनी यू हैव राइट नाउ यू आर क्रिएटिंग। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, थ्रो पॉजिटिव टू यूनिवर्स, इट विल कम बैक पॉजिटिव टू यू। थ्रो पॉजिटिव टू एवरी वन, इट विल कम पॉजिटिव टू यू। सो आपको इस जर्नी अवेकनिंग यही होती है, और अवेकनिंग की जर्नी को हम लोगों को पॉजिटिविटी के साथ, सेल्फ लव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वीडियो अवेकनिंग पे था, और आगे और भी कुछ मुझे ईमेल्स में क्वेश्चंस आए थे उनका आंसर लेकर मैं फिर आगे वीडियो बनाऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल।